हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में देखेंगे 1 अप्रैल 2018 का करंट अफेयर्स और इसके साथ हर एक क्वेश्चन का एक्स्ट्रा फैक्ट भी हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। और जो मेरे नए दोस्त हैं जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वो चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। नीचे दिए गए रेड कलर के बटन पर क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके बाद बेल आइकॉन होगा इस टाइप का, जब आप इसे ऑन करते हैं तभी मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। ये करंट अफेयर्स हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे बैंक हो। तो इस वीडियो को आप लोग ध्यानपूर्वक देखें। पहला क्वेश्चन कि हाल ही में किस बैंक में 19 करोड़ का घोटाला हुआ है। तो यूको बैंक में 19 करोड़ का घोटाला हुआ है और ये बैंक कर्नाटक में है। हाल ही में कर्नाटक में यूको बैंक से 19.03 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी हुआ, जिसमें सीबीआई ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। इस मामले में 18 लोगों के गलत नामों से विभिन्न योजनाओं के होम और प्रॉपर्टी लोन लिया गया है, यानी कि 18 लोगों के गलत नामों में विभिन्न योजनाओं में होम और प्रॉपर्टी लोन लिया गया है। कुल मिला के 19.03 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन देश का सबसे बड़ा पेमेंट बैंक बन गया है। तो है वो है पोस्ट ऑफिस, जो कि देश का सबसे बड़ा पेमेंट बैंक बन गया है। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं इसमें। पूरे देश में 1 अप्रैल देश का सबसे बड़ा पेमेंट बैंक अपनी सर्विस शुरू कर देगा, इंडिया पोस्ट बैंक। इसके जरिए सभी नागरिकों को सारी सेवाएं फ्री में देगा। यह पेमेंट बैंक देश के सभी पोस्ट ऑफिस में खोला जाएगा। पूरे देश में इस वक्त इंडिया पोस्ट के 1.55 लाख पोस्ट ऑफिस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने बैंक खाते में मंथली बैलेंस ना होने पर लगने वाला चार्ज को कम कर दिया है। तो एसबीआई बैंक ने बैंक खाते में मंथली बैलेंस ना होने पर लगने वाला चार्ज को कम कर दिया है। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं इसमें। भारत के सबसे बड़े बैंक एसबीआई ने बैंक खाते में मंथली बैलेंस ना होने पर लगने वाला चार्ज को कम कर दिया है। शहरों में 50 रुपये की जगह 15 रुपये कर दिया गया है और अर्धशहरी क्षेत्रों में, यानी कि अर्धशहरी क्षेत्रों में 40 रुपये की जगह 12 रुपये और गाँव में 40 रुपये की जगह 10 रुपये चार्ज लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कंपनी ने 2017-18 में 75 लाख टू व्हीलर्स बेचने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो हीरो कंपनी ने 2017-18 में 75 लाख टू व्हीलर्स बेचने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। देश की सबसे बड़ी टू व्हीलर कंपनी हीरो मोटो कॉर्प की बिक्री का आंकड़ा बीते वर्ष 2017-18 में 75 लाख पार कर गया। कंपनी के एक अधिकारी ने बताया कि हीरो मोटोकॉर्प वैश्विक स्तर पर यह उपलब्धि हासिल करने वाली पहली कंपनी है। कंपनी ने यह 2016-17 में कुल 66.6 लाख मोटरसाइकिल्स और स्कूटर बेचे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस कंपनी ने 80% की छूट की सेल शुरू की है। तो दोस्तों, फ्लिपकार्ट कंपनी ने 80% की छूट सेल की शुरुआत की है। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं इसमें। 1 अप्रैल से 2 अप्रैल को ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी फ्लिपकार्ट ने किडिंग डे सेल का आयोजन किया है, यानी कि किडिंग डे सेल का आयोजन किया है। इस सेल में आपको हेल्थ केयर, इंजॉयसेस, कपड़ों, जूते, बेबी केयर, टॉयज और वॉलेट जैसे प्रोडक्ट पर आपको 80% से अधिक छूट और कैशबैक का लाभ मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा राज्य 6वीं बार संतोष ट्रॉफी का चैंपियन बना है। तो दोस्तों, इनमें से वो छठी बार चैंपियन ट्रॉफी जो बना है वो है केरल, जो कि राज्य में, अपने राज्य में 6वीं बार संतोष ट्रॉफी चैंपियन बना है, वो है केरल। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं इसमें। विवेकानंद युवा भारती क्रीड़ांगण में खेले गए, यानी कि विवेकानंद युवा भारती स्टेडियम में खेले गए फाइनल की हुई कांटे की टक्कर में निर्धारित समय तक स्कोर 2-2 बराबर रहने के बाद खिताब का फैसला शूट आउट से हुआ।
जिसमें केरल ने बाजी मारकर छठी बार संतोष ट्रॉफी का चैंपियन खिताब अपने नाम किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से किस देश का स्पेस स्टेशन सोमवार को धरती पर गिरेगा? तो इनमें से जो देश है वो है चीन, जो जिसका देश का स्पेस स्टेशन सोमवार को धरती पर गिरेगा। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं इसमें। चीनी अंतरिक्ष स्काई लैब तियानोंग ने एक का मलबा सोमवार को पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करेगा। दक्षिण कोरियाई न्यूज एजेंसी यून हॉप के अनुसार मलबे के सोमवार सुबह 7:26 से दिन के 3:26 के बीच वायुमंडल में प्रवेश करने का अनुमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट की उम्र सीमा बढ़ा दी गई है? तो दोस्तों, मध्य प्रदेश राज्य के सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट की उम्र सीमा बढ़ा दी गई है। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं इसमें। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट अब उम्र सीमा 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष करने का घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि कई बार कर्मचारी अपनी निर्धारित पदोन्नति का लाभ लिए बिना रिटायर्ड हो जाते हैं, इसलिए यह फैसला लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन SC/ST कानून को लेकर पुनर्विचार याचिका दायर करेगी? तो केंद्र सरकार इसमें से SC/ST कानून को लेकर पुनर्विचार याचिका दायर करेगी। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं इसमें। तो एक्स्ट्रा फैक्ट यह है दोस्तों, केंद्रीय सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री, आपको यह याद करना कि केंद्रीय सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री कौन है? तो धावर चंद गहलोत हैं। ठीक है, ये आपको याद करना है। केंद्रीय सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री थावर चंद गहलोत ने कहा है कि केंद्र सरकार SC/ST कानून से संबंधित सुप्रीम कोर्ट के आदेश की समीक्षा के लिए पुनर्विचार याचिका दायर करेगी। सरकार अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और इसे लेकर लोगों को अपना आंदोलन खत्म कर देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि हाल ही में किस ई कॉमर्स कंपनी को $53 बिलियन का नुकसान हुआ है? तो हाल ही में अमेजन कंपनी को, ई कॉमर्स कंपनी को $53 मिलियन का नुकसान हुआ है। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं इसमें। Amazon.com इंक के शेयर 7.4% गिर गए हैं, जिसकी वजह से कंपनी को करीब $53.6 बिलियन का बाजार कीमत से नुकसान हुआ है। तो दोस्तों, ये था 1 अप्रैल 2018 का Top 10 करंट अफेयर्स। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें, और जो मेरे नए दोस्त हैं वो इस चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। नीचे दिए गए रेड कलर का बटन होगा, जब आप इस पर क्लिक करते हैं तब आप मेरे चैनल से जुड़ जाते हैं। इसके बाद बेल आइकॉन होगा इस टाइप का, जब आप इसके इस टाइप से ऑन करते हैं, यानी कि बेल आइकॉन ऑन करते हैं, तभी मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुँच जाती है। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।